फिर से एक बार आपका स्वागत है हमारे चैनल टेक्निकल दिल साथ में। और आज इस वीडियो में आपको ये बताऊंगा गेट एप्स ऐप की सभी नोटिफिकेशन को कैसे बंद करते हैं। ये जानने के लिए आपको हमारा ये वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा देखना होगा और इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने सभी दोस्तों में व्हाट्सएप पर शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल टेक्निकल दिल साथ को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी के आइकन को दबा दीजिए। और आपका ज्यादा समय ना लेते हुए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और जान लेते हैं गेट ऐप की सभी नोटिफिकेशन कैसे बंद करते हैं और इसलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। गेट ऐप्स की सभी नोटिफिकेशन बंद करने के लिए आपको सबसे पहले गेट ऐप्स को ओपन करना है। अब जैसे ही आप यहाँ पर गेट ऐप्स को ओपन करते हैं तो आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाता है। आपको यहाँ पर मी पर क्लिक करना है और उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। आपको यहाँ पर एक सेटिंग का आइकन दिखाई देगा, आपको यहाँ पर इस सेटिंग के आइकन पर क्लिक करना है। तो हम यहाँ पर इस सेटिंग के आइकन पर क्लिक करते हैं। अब आपके सामने यहाँ पर ऊपर नोटिफिकेशन सेटिंग आ जाएगी, आपको यहाँ पर अपडेट नोटिफिकेशन सेटिंग दिखाई देगी, आपको यहाँ पर इसे बंद कर देना है। इससे दोस्तों आपके पास अपडेटिंग की कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आएगी। नीचे आपको यहाँ पर दिखाई देगा नंबर ऑफ अपडेट्स ऑन गेट एप्स आइकन। जैसे कि अभी आप यहाँ पर देख रहे हैं गेट एप्स के पास अभी यहाँ पर कोई भी आइकन नहीं है और ना ही नंबर है। अगर हम यहाँ पर इस फीचर को ऑन कर देते हैं तब अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर 4 लिखा हुआ आ रहा है। यहाँ पर दोस्तों आप इस नोटिफिकेशन को बंद कर सकते हैं या चालू कर सकते हैं। इस तरह आप यहाँ पर गेट ऐप्स की नोटिफिकेशन को बंद या चालू कर सकते हैं। लेकिन आपको गेट ऐप्स की नोटिफिकेशन बंद करने के लिए अगर आप दूसरी सेटिंग चाहते हैं तो आपको यहाँ पर कुछ समय के लिए होल्ड करना है, ऐप इन्फो पर क्लिक करना है, हल्का सा स्क्रॉल करने के बाद नोटिफिकेशन में जाना है और यहाँ पर आप सबसे नीचे देखेंगे तो आपको यहाँ पर गेट ऐप्स की पुश नोटिफिकेशन को बंद करने के लिए ऑप्शन दिया गया है। अगर आप यहाँ पर क्लिक करते हैं तो आप यहाँ पर 100 नोटिफिकेशन पर क्लिक करके गेट ऐप्स की सभी नोटिफिकेशन को बंद कर सकते हैं या फिर आप यहाँ पर साउंड चेंज कर सकते हैं, वाइब्रेशन बंद कर सकते हैं, LED लाइट बंद कर सकते हैं, ऑन स्क्रीन लॉक नोटिफिकेशन की सेटिंग कर सकते हैं या फिर अगर आप यहाँ से बैक करोगे तो आपको यहाँ पर इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन का ऑप्शन भी दिया गया है और यहाँ पर अदर ऑप्शन भी दिया गया है। और यहाँ पर आप LED लाइट, वाइब्रेशन, साउंड या फिर लॉक स्क्रीन नोटिफिकेशन, फ्लोटिंग नोटिफिकेशन, 100 ऐप आइकन बैज, यहाँ पर ये सभी नोटिफिकेशन को आप कस्टमाइज कर सकते हैं। और गेट ऐप्स की सभी नोटिफिकेशन बंद करने के लिए आपको यहाँ पर 100 नोटिफिकेशन पर ऊपर क्लिक करना होगा, इससे आपकी गेट ऐप्स की सभी नोटिफिकेशन बंद हो जाएंगी। तो मुझे उम्मीद है आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए, अपने सभी दोस्तों में व्हाट्सएप पर शेयर कर दीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, इसी तरह की अच्छी वीडियो रेगुलर हमेशा देखते रहना चाहते हैं तो आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी के आइकन को दबाना होगा, क्योंकि मैं आपके लिए हमेशा इसी तरह की अच्छी वीडियो लाता रहूँगा। हमारी यह वीडियो देखने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया।